हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी सेकंड क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में शब्द विलोम और समानार्थी शब्द करवाएंगे। शब्द विलोम क्या होते हैं? शब्द विलोम होते हैं उल्टा सीधा, मींस कि एक शब्द का उसका अपोजिट होना, उसके बिल्कुल अलग होना, डिफरेंस होना, उसे हम शब्द विलोम कहते हैं। जैसे कि हमारा पहला शब्द है अमीर, अमीर, तो अमीर का विलोम क्या होगा? अमीर का विलोम होगा गरीब। क्या होगा? अमीर का गरीब। अमीर यानी कि जिसके पास पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है, और गरीब जिसके पास पैसा नहीं होता है तो वो बहुत ही गरीब होता है। तो अमीर का होगा गरीब। पढ़ना, पढ़ना का क्या होगा? पढ़ना का होगा लिखना। भाई हम पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ लिखना भी तो सीखते हैं, तो पढ़ने का होगा हमारा लिखना। तो हम लिखना कैसे लिखेंगे? लिखना। धरती, धरती का हमारा क्या होगा? धरती का होगा हमारा आकाश। क्या होगा? आकाश यानी कि धरती यानी कि जमीन, और आकाश यानी कि आसमान। तो आकाश कैसे लिखेंगे हम? आकाश। खरा, खरा यानी कि खरा का होता है हमारा खोटा। खरा खोटा, ठीक है। जीत, जीत का होगा हमारा हार। क्या होगा? जीत का हार, है आर ए हार। लाभ, लाभ का होगा हमारा हानि। क्या होगा? हानि, है आ न ई हानि। कोमल, कोमल मींस मुलायम, और कठोर, कठोर मींस हार्ड। कोमल का होता है हमारा कठोर, कैट है और है कठोर। अच्छा, अच्छे का क्या होगा? अच्छे का होगा बुरा, अच्छे का बुरा, बुरा। ओके, चलिए एक बार दोबारा करवाती हूँ, सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। अमीर, अमीर का होगा गरीब। गरीब कैसे लिखेंगे हम? गरीब। पढ़ना, पढ़ना का हम लिखेंगे लिखना, लिखना। धरती, धरती का होगा हमारा आकाश, आकाश। खरा, खरा का होगा हमारा खोटा, खोटा। जीत, जीत का हो गया हमारा हार, है आर ए हार। लाभ, लाभ का हो गया हमारा हानि, है आ न ई हानि। कोमल, कोमल का हो गया हमारा कठोर, कठोर। और अच्छा, अच्छा का हो गया हमारा बुरा, बुरा। इस तरह से हम इन्हें लिखना सीखेंगे। सब बच्चे इसे लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे आते हैं आपके समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द वे क्या होते हैं, समझिए सब बच्चे। समानार्थी शब्द यानी कि जिसके समान अर्थ हो, यानी कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक शब्द को हम कितने ही नामों से पुकारते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी दे रखा है, पृथ्वी, तो पृथ्वी को हम धरती भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, इसे हम जमीन भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने आपको वर्ड दिया पृथ्वी, तो आप पृथ्वी का कैसे लिखोगे? पृथ्वी का हम लिखेंगे धरती, धैर्य तय ई धरती। और पृथ्वी को हम धरा भी कहते हैं, और पृथ्वी को हम जमीन भी कहते हैं, पृथ्वी को हम भूमि भी कहते हैं। ओके, तो ये हमारे पृथ्वी के यानी कि हमारे पृथ्वी के बहुत सारे शब्द हो गए, ठीक है। तो हम पृथ्वी के को हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, उसे हम धरती भी कह सकते हैं, हम उसे धरा भी कह सकते हैं, हम उसे जमीन भी कह सकते हैं, और हम उसे भूमि भी कह सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे आते हैं हमारा आँख, आँख, आँख को हम क्या क्या कहते हैं? आँख को हम इंग्लिश में आइज कहते हैं, कहते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं नेत्र, नयन, चक्षु। आँख को हम नेत्र, नयन और चक्षु भी कहते हैं। ओके, इसे हम आँख भी कह सकते हैं, इसे हम नेत्र भी कह सकते हैं, इसे हम नयन भी कह सकते हैं, और इसे हम चक्षु भी कह सकते हैं। अब जैसे अब आया आपका नभ, नभ मीन्स आकाश,
मैंने भी आपको बताया कि नभ मीन्स नभ को हम आकाश भी तो अब आता है आपका नभ नभ को हम क्या कहते हैं नभ को हम आकाश गगन आसमान भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स ये होते हैं हमारे नभ नभ के समानार्थी शब्द। फिर आते हैं हमारे बादल क्या आता है बादल। अब बादल के कौन कौन से होते हैं बादल के होते हैं हमारे बादल बादल को हम क्या क्या कहते हैं बादल को हम कहते हैं मेघ घन ये हम बादल को कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स चलिए एक बार दोबारा इस करवा रही हूँ दोबारा ध्यान से देखेंगे। पृथ्वी पृथ्वी को हम क्या क्या कहते हैं पृथ्वी को हम कहते हैं धरती और धरा। आँख आँख को हम नेत्र और नयन भी कहते हैं। नभ नभ को हम आकाश और गगन भी कहते हैं और बादल बादल को हम मेघ और घन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स एक बार दोबारा से विलोम शब्द और समानार्थी शब्द एक बार दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। चलिए देख अमीर अमीर का क्या हो गया हमारा गरीब गैर रे ई बे गरीब। पढ़ना पढ़ने को ले ई खे ने आ लिखना। धरती धरती को ए आ के आ शे आकाश। खरा खरे को हम कहते हैं खोटा खे ओ टे आ खोटा। जीत जीत को कम कहते हैं हार है आर ए हार। लाभ लाभ को हम कहते हैं हानि है आ ने इ हानि। कोमल के ओ मेले कोमल और कोमल को हम कहेंगे कठोर के ठे ओ रे कठोर। अच्छा अच्छा को हम कहते हैं बुरा बे उ रे आ बुरा। ओके ये हो गए हमारे शब्द विलोम और ये होते हमारे समानार्थी शब्द। पृथ्वी पृथ्वी को हम कहेंगे धै रे ते ई धरती धै रे आ धरा। आँख ने एत्र नेत्र ने ये ने नयन। नभ आकाश आकाश गे गे ने गगन आकाश और गगन। बादल बादलों को हम कहते हैं मैं एक है मेघ घे ने घन मेघ घन। ओके स्टूडेंट्स ये हो गए आपके शब्द विलोम और समानार्थी शब्द। सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और अपना कॉपी वर्क कंप्लीट करेंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए इस वर्क को प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।